तो सबसे पहले एक जरूरी सूचना, LG GATX का गिव अवे वीडियो कल शाम यानी 24 अक्टूबर की शाम को ठीक 8 बजे पब्लिश होगा। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए, ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उस वीडियो पर फुल प्यार दिखाना है और इस वीडियो पर भी प्यार दिखा दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। हेलो एंड वेलकम टू सुतबीर फगड़िया चैनल। तो दोस्तों, अगर आप दिवाली के आसपास कोई फोन बाय करना चाहते हैं तो सभी कंपनियां दिवाली के आसपास अपने एक से बढ़कर एक जबरदस्त फोन लॉन्च करने जा रही है, क्योंकि दिवाली के आसपास सभी को पैसा कमाना है, सभी अपने अपने फोन लॉन्च करने जा रही है। तो टॉप 10 अपकमिंग स्मार्टफोन आपको बताऊंगा मैं जो नवंबर में लॉन्च होने वाले हैं, दिवाली के आसपास ही लगभग सारे फोन लॉन्च होने जा रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक फोन बाय नहीं किया तो आपके लिए काफी अच्छा मौका है, दिवाली के आसपास इनमें से आप कोई फोन बाय कर सकते हैं। तो अगर आपका बजट कम है 7-8 हज़ार की प्राइस में और अगर आप एक नॉन चाइनीज फोन चाहते हैं तो माइक्रोमैक्स ने भी छलांग लगा दी है। यहाँ पे माइक्रोमैक्स इंडिया कंपनी आपको पता है, तो माइक्रोमैक्स के 7 हज़ार से लेकर 15 हज़ार तक की प्राइस के 6-7 फोन आपको नवंबर में देखने को मिलेंगे। 3 नवंबर को लॉन्च होने जा रहा है माइक्रोमैक्स इन के नाम से एक स्मार्टफोन, जिसमें मीडियाटेक Helio G35 का प्रोसेसर, 5000 mAh की बैटरी, 18 वाट का फास्ट चार्जर और इस तरह से आपको कुछ स्पेक्स देखने को मिलेंगे। तो 3 तारीख को लॉन्च हो रहे हैं, 3 नवंबर को, और इसके साथ शायद से 2 और भी आपको माइक्रोमैक्स के फोन लॉन्च हो सकते हैं, लेकिन एक कन्फर्म है 3 नवंबर को लॉन्च होने जा रहा है। जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी उसी हिसाब से माइक्रोमैक्स के फोन में आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे, मीडियाटेक Helio G85 का प्रोसेसर और इस तरह के प्रोसेसर आपको देखने को मिलेंगे प्राइस के हिसाब से। और शामी की तरफ से Redmi Note 10 जो नेक्स्ट वीक को चाइना में लॉन्च हो रहा है उसके बाद दिवाली के आसपास इंडिया में लॉन्च होगा, तो Redmi Note 10 काफी अच्छा फोन होने वाला है, तो उसका वेट जरूर से कर सकते हैं। तो शामी के फोन लॉन्च हो रहे हैं तो Realme के फोन तो लॉन्च जरूर से होंगे ही। Realme की तरफ से Realme X7 और X7 Pro लॉन्च होने जा रहे हैं। Realme X7 Pro में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला एक आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 65 वाट का फास्ट चार्जर मिलेगा, Dimensity का 1000 वाला प्रोसेसर मिलेगा और लगभग 25,000 के आसपास ये फोन आपको देखने को मिलेगा। तो काफी जबरदस्त होने वाला है Realme X7, X7 Pro दोनों ही। और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। और Realme की तरफ से बजट रेंज में आपको पता है Realme C11, 12 और 15 वगैरह लॉन्च हो चुके हैं। अभी लॉन्च होगा Realme C17 जिसमें कि स्नैपड्रैगन 460 का प्रोसेसर है, 6.5 इंच का डिस्प्ले, 5000 mAh की बैटरी, 18 वाट का फास्ट चार्जर और ये अंडर 10,000 की प्राइस पे लॉन्च होगा। और इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स नोट 7 की काफी सेल हुई थी, अभी दिवाली के आसपास लॉन्च होने जा रहे हैं इन्फिनिक्स नोट 8। ये पाकिस्तान में और कुछ अदर कंट्री में लॉन्च हो चुका है, दिवाली से पहले ये जरूर से लॉन्च होगा इन्फिनिक्स नोट 8, जिसमें कि काफी बड़ा डिस्प्ले है, 6.95 इंच का यानी कि 7 इंच के करीब डिस्प्ले है। मीडियाटेक का Helio G80 का प्रोसेसर है, 64 मेगापिक्सल का कोड कैमरा का सेटअप है, 5200 mAh की बैटरी, 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का स्पोर्ट है और 10,000 से 12,000 के बीच में इसकी प्राइस होगी। तो 10,000 की प्राइस में आ जाता है तो काफी अच्छा फोन है। और इन्फिनिक्स की तरफ से दूसरा फोन Infinix 08 जो इंडिया में जल्दी लॉन्च होने वाला है और इंडिया में एकदम से तबाही मचा देगा, क्योंकि इसमें मीडियाटेक Helio G90T का प्रोसेसर है, 64 मेगापिक्सल का कोड कैमरा, 48 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिलेगी, 33 वाट का फास्ट चार्जर और 90Hz का रिफ्रेश रेट भी आपको मिलता है डिस्प्ले में और अंडर 15,000 की प्राइस में शायद से फोन लॉन्च होगा। तो अगर 15,000 से कम की प्राइस में फोन लॉन्च हो जाता है तो एकदम से जबरदस्त है। और अगर सैमसंग के फोन का वेट करें तो सैमसंग के A सीरीज, M सीरीज दोनों सीरीज के फोन लॉन्च होंगे नवंबर में। A सीरीज, M सीरीज में से जो पहले के फोन है उनमें ही चेंजिंग वेंजिंग करके स्पेक्स अभी कंफर्म नहीं है क्या आएंगे, लेकिन कंफर्म है A सीरीज, M सीरीज दोनों ही सीरीज के फोन लॉन्च होंगे। वन प्लस नोड आपको पता है काफी पॉपुलर था, अभी वन प्लस नोड सीरीज में होगा या दूसरी सीरीज में होगा पता नहीं, लेकिन वन प्लस N10 के नाम से फोन लॉन्च होने वाला है जो कि 5G फोन ही होगा। हो सकता है स्नैपड्रैगन 760 5G का प्रोसेसर मिले, लेकिन 5G फोन के साथ N10 सीरीज है ये नोड में होगी या अलग होगी, लेकिन वन प्लस का ये फोन नवंबर में लॉन्च होने जा रहा है। और Vivo की तरफ से Vivo V20 Pro और Vivo V20 Pro SE ये दो फोन लॉन्च होंगे नवंबर में और दोनों में ही शायद 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। तो Vivo के फोन का इंतजार करें तो जरूर से आप वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ फोन थे जो आपको नवंबर में देखने को मिलेंगे, आप वेट कर सकते हैं तो जरूर से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।